तो से हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस अब हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है हमने डिफाइन किए थे जैसे अगर लेट्स से आपके पास एक यूनिट सर्कल हो ठीक है यूनिट सर्कल हो लाइक like दिस अब यूनिट सर्कल क्या होगा ऐसा सर्कल जिसका रेडियस वन होगा फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे प्लॉट करता हूं तो ये एक बेसिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो लेट्स से वन है ठीक है फॉर एग्जाम्पल ये यूनिट सर्कल दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस ठीक है अभी हमारे पास एक यूनिट सर्कल है अब इसकी अगर आप इक्वेशन लिखते हैं तो लेट्स से वो हो जाएगी थीटा 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 एंड वेयर जो जो है वो है वो एंगल कि पॉजिटिव आई मीन एंटी क्लॉक डायरेक्शन में उसको लेंगे पॉजिटिव थीटा लेंगे लट से अगर आप यहाँ पे यू you नो know, अगर आप यहाँ पे अगर थीटा एक सर्टन वैल्यू है तो आप देखेंगे अगर थीटा जो है वो ब्लड से कुछ भी होगा तो केस में की क्या वैल्यू होगी एंड वाई की क्या वैल्यू होगी ठीक है इसका मतलब कोई भी पॉइंट ऑन दिस एक्स इज इक्वल टू थीटा या वाई इज इक्वल टू साइन थीटा वो इसके इस इस लाइन के ऊपर ही लाई करेगा या इसकी अगर इक्वेशन लिखे तो बनती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन इसका मतलब कि x की जो वैल्यू यहाँ पे आएगी थीटा पुट करने से y की जो वैल्यू यहाँ पे आएगी थीटा पुट करने से उसको आप सॉल्व करेंगे तो गेट तो वन एज आंसर जो कि आपका यूनिट सर्कल को जस्टिफाई करता है अब अगर आप देखें इसी से अगर आप एनोलॉजी बनाएं तो बेसिकली हमारे पास हाइपरबोला क्या होगा हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्र एक्स स्क् माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू वन ठीक है अब यहां पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं अगर हाइपरबोला ड्रॉ कर दिस इज माई एक्स वाई एक्सिस दिस इज एक्स एक्स ठीक है ये इसका एक्स एक्स है दिस इज वाई एक्स यहाँ पे आप एसम टोट्स ड्रा करते हैं जिससे डिटेल में स्टडी करेंगे ठीक है इक्वल टू y y एक asymptote है इसका ठीक है y is equal to X, one asymptote है. इसी तरह वाई इज इक्वल टू माइनस एक्सर एसेम टोट है अब अगर आप इसको ज्वाइन कर दें कुछ इस तरह से ठीक है कुछ इस तरह से से आर 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 द द द फोकस ऑफ ठीक है, है अगर आप इसको ज्वाइन कर दें अगर आप इसको ज्वाइन कर दें ठीक है थोड़ा सा क्लोज ड्रॉ कर लेते हैं तो यहां पे ठीक है तो अगर तो आप इसको इस तरह से ज्वाइन कर दें दोनों लाइंस के साथ तो ये आपके पास बन जाएगा एक हाफ ऑफ हाइपरबोला और इसी तरह से अगर आप यहां पे ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा सेकेंड हाफ ऑफ हाइपरबोला तो इस तरह से हमने ये हाइपरबोला ड्रॉ कर लिया अब हमने इसकी इक्वेजन ड्रॉ की थी हमने बात की थी साइन हाइपरबोलिक e हमने इनको डिफाइन किया था इनको हमने डिफाइन किया था जो को साइन हाइपरबोलिक एक्स है को साइन हाइपरबोलिक एक्स है वो इक्वल होगा ई एक्स प्लस ई रेसिपर माइनस एक्स और टू इसी तरह

अगर मुझे स्लो फॉम स्लो फाइंड आउट करने किसी भी पॉइंट पे स्लो फाइंड आउट करने के लिए जनरल फॉर्मूला चाहिए तो दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन फॉर कॉज हाइपरबोलिक एक्स ठीक है अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू तो ये भी डिफरेंट होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स ठीक है वे भी differentiate होगा विद टू एक्स इसका मतलब है कि जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बेसिकली वन अवर टू इज कॉन्स्टेंट ये बेसिकली लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ठीक e है अब हमने जो डिफरेंशन के डिफ्रेंसियन के जो रूल्स हैं वो स्टडी किए हैं उनके अंदर हमने बहुत सारी बातें स्टडी की हैं कि अगर कॉन्स्टेंट डिफ्रेंसियशन में तो कॉन्स्टेंट जो है वो जस्ट डिफ्रेंसियन से आप पहले लिख देंगे तो कॉन्स्टेंट पहले आ जाएगा वन आवर टू डी बाई डी एक्स ई एक्स प्लस ई नेगेटिव एक्स ठीक है फिर हमने ये भी स्टडी किया था फिर हमने ये भी स्टडी किया था कि अगर आपके पास दो फंक्शन जो है वो सम का हो तो सम रूल भी हमने स्टडी किया था डिफरेंशिएशन में कि आप इसका डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे इसको डिफरेंशिएट अलग से करेंगे और इसको अलग से करेंगे सो बेसिकली वन आवर टू टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई एफ ई पर एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेस्ट पर नेगेटिव एक्स ठीक है इस तरह से हमने देखा जी कि अगर हम लिखते हैं 1 आवर 2 1 आवर 2 dx/dx का e x का डेरिवेटिव क्या होता है e x ही होता है बिकॉज़ हमने स्टडी किया था कि e x का अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं एक दिस इज x एक्सिस दिस इज y एक्सिस ठीक है सो so, e रे टू द x विल का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से देखने में देखने दि, में नजर आएगा ठीक है लाइक like समहाउ इस तरह से ठीक है ये बेसिकली रेस्ट पर एक्स का ग्राफ है यानी e तो देखें वन टू थ्री इसका मतलब है जहां जहां पे ई e की यानी जहां एक्स में जितना चेंज आएगा हर पॉइंट पे वाई में उतना ही चेंज आएगा यानी अगर एक्स में जितना चेंज आ रहा है वाई में उसके अकॉर्डिंगली सेम चेंज आ रहा है इसका मतलब है स्लोप ऑफ ई पर एक्स का जो ग्राफ होगा वो ई पर एक्स ही होगा ठीक है ही होगा। इसी इसी तरह से, इसी तरह से, से हम देखते देखते हैं हैं, कि अगर आप का e तो में e e जो है वो जाएगा, ठीक है प्लस ई रेस्ट पर माइनस एक्स एज इट इज और उसके बाद विदेंशियल जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ नेगेटिव एक्स का डेरिवेटिव लेंगे ठीक है तो वो वो कितना आएगा वो अभी हम देख लेते हैं ठीक है यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास बनता है तो हमारे पास बनता है हाफ इंटू रेस्ट पर एक्स माइनस एक्स का माइनस वन बिकॉजिव इसमें से आप कॉमन ले लें तो डी एक्स बाई डी एक्स इज वन बिकॉज आइडेंटिटी फंक्शन का डेरिवेटिव डरेवेटिव होता है ठीक है तो ये माइनस वन आ गया इट मीन के वन आवर टू वन आवर टू ई एक्स प्लस इनटू इंटू माइनसिवेटिव ई माइनस एक्सेटिव ई माइनस एक्स अब इसका मतलब है आपने क्या किया हमने को, को साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव लिया तो इसकी वैल्यू आई है हमारे पास हाफ ये आप देखें डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ को साइन हाइपरबोलिक एक्स ठीक है इसका डेरिवेटिव आया वन बाय टू ई रेस्ट पर एक्स माइनस ई रेस्ट पर माइनस एक्स अगर आप ये देखें तो ये तो कौ हाइपरबोलिक एक्स है आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो कोसाइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या है टू e e तो इसका मतलब है कि जब आप X लेंगे, तो आपके पास क्या साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स ठीक है इसी तरह से इसी तरह से अगर अभी हम अभी हम जो है वो साइन हाइपरबोलिक एक्स कर लेते हैं ठीक है अभी हम क्या करेंगे अगर हम uh,

2 इसका भी हम डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं तो डेफिनेटली 1/2 कम्स आउट 1/2 आउट बाहर आ जाएगा उसके बाद अलग-अलग डेरिवेटिव देखें अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में करूंगा डी/डी एक्स ई रे टू पावर एक्स माइनस डी/डी एक्स ई रे टू पावर माइनस एक्स ठीक है अब अगर आप देखें तो 1 और ये ई एक्स एज इट इज और ये ये इसका डेरिवेटिव क्या आता है माइनस ई रे टू पावर एक्स इसका आएगा करके आ चुके हैं माइनस एक्स ठीक है e x, अब माइनस इंटू माइनस प्लस तो इस मीन टू रेज टू पर एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स विच मीन्स कि अगर e e आप साइन हाइपरबोलिक एक्सर डेरिवेटिव लेंगे तो वो किसके को आ जाएगा को साइन बिकॉज दिस इज दिस इज द को साइन फंक्शन इसका मतलब यही आ जाएगा को साइन हाइप्रोबोलिक एक्स हम लिख देंगे डरेवेटिव ऑफ साइन हाइप्रोबोलिक एक्स को साइन हाइप्रोबोलिक एक्स ठीक है तो ये तो दो अभी हमने इस वीडियो के अंदर स्टडी किए कि साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कुछ साइन हाइप्रोबोलिक का डेरिवेटिव क्या होगा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर टेन हाइपरबोलिक एक्स का वीडियो टेन हाइपरबोलिक एक्स का डरेवेटिव क्या होगा और प्लस कुछ भी कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे